अभी तो शुरुआत है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बाथरूम वाथरूम करना कर लो वो सामने। हाँ हाँ बता दिया मैंने। देखी थी आपने? हैं? हाँ हाँ उसकी शूटिंग हुई है। जोधा अकबर की शूटिंग। जोधा अकबर कोई टाइम पर टीपू सुल्तान नाटक आता था ना। हाँ हाँ टीपू सुल्तान किसकी पूरी तो गाइस देखिए आप लोग कल्पना कर सकते हो कितनी खूबसूरत जगह थी और क्या से क्या हो गया। अच्छा ले देखता है। ये सारा है वो जयगढ़ किला है, उसके ऊपर उसमें तोप है। हाँ ये आम एयरपोर्ट है, ये राजा मान सिंह का है। इसके अंदर आपको देखने के लिए बड़ी चीजें मिलेगी। आम किले के अंदर ये राजा मान सिंह का बना है। मान सिंह में हाँ मैं बताता हूँ आपको, भाई डेढ़ दो घंटे लगेंगे इसमें। हाँ इसमें दीवाने, यहाँ हम दीवाने खास चांदी सोने के अंदर गर्म बेडरूम चार बुलैया बारह दरी शीश महल काली टेम्पल ये सब इसी के अंदर। जोधा अकबर की शूटिंग वो तो बहुत देखते थे पहले बचपन में टीपू सुल्तान। क्या बात है भाई, क्या बात है। पैसा तो यही चलता रहो, आराम से आधा घंटा है और लेट से हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, मैं फोन कर दूंगा आपके पास आराम से। टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं आई है। हां क्या हालत तो पुराने जमाने का है, महल बने हुए हैं। वो देखो सामने सामने देखो पहाड़, वहाँ पे ना राजाओं की जो सेना है वो खड़ी होती थी। ओह माय गॉड, देखो देखो देखो, मतलब कि बस अलग ही दुनिया में आ गया आज तो। हैरान जी अलग दुनिया है ना। आजा क्या करना है? थक गी। अभी तो शुरुआत है। आज आपने बहुत भगाया है, बहुत भगाया। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बाथरूम वाथरूम करना कर लो वो सामने। हाँ हाँ बता दिया मैंने। और हालत ना हमारी थोड़ी सी पतली हो गई है, हैं? बैक गेट है ये, बाकी जल्दी आ गए हम, उधर से ज्यादा चढ़ाई थी और चिकू के पापा के ना पैर में दर्द था इसलिए। और मेरी हालत तो बड़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि चढ़ाई जैसे पहाड़ों में चढ़ते हैं ना कुछ इस तरह की चढ़ाई है। सांस फूल गई। तो चलो जी मिलते हैं वहाँ ऊपर जाने के बाद। तो गाइस उधर से आए हम, देखिए बिल्कुल पहाड़ों वाली फीलिंग आ रही है हमें। गुड भाई, गिर जाएगी, ऊपर चली जा, ऊपर मत जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे नीचे नीचे। गाइस ये यहाँ की मार्केट है, देखिए टोपियाँ छतरी पर्स जो राजस्थान के फेमस है। और ये कड़े कितने कितने के भी है? ये 100 के दो, 100 के दो। और ये वाले वो भी 100 के दो। तो ये देखिए आते टाइम देखेंगे सब, एक नाम है सब मार्केट है। और ये देखिए इधर ये कितने का बड़े वाला? हाँ जी कितने का अंकल जी? अच्छा तो आते टाइम मैडम स्लीपर देखिए।
आते टाइम भैया कितने की है भैया? कौन सा ये वाली कैब? ये हाँ जी ये 150 का। छाता 150। फोटो तो क्या ही नजारा है गाइस, क्या ही बताऊं, सब पीतल का देखो, सब पीतल का। चलो अंदर चलो, हाँ यही खेलेंगे। कहाँ आगे अभी यहाँ से निकलने के बाद अपने खाने ही खाना है, बोल दिया था अंकल को। अंश रिहान कहाँ है? गुम हो जाएगा रिहान, तू ऐसे इधर उधर क्यों जा रहे? इधर उधर इधर उधर ना जाओ बेटा, हम नीचे से ऊपर आ चुके हैं टिकट लेके और कुछ इस तरह का नजारा है और अभी अंदर दिखाएंगे आप लोगों को कितना सुंदर नजारा। टिकट चेक हो गया, अभी जल्दी आ जाएंगे। ओ माय गॉड, वाकई में गाइस ये देखो कितना लापरवाह है, हम पीछे पीछे ही आगे आगे जैसे ये सारी जगह घुमा हुआ। अंश चिकू एक बात बताओ, आप पहले आए हुए हो यहाँ पे नहीं। फिर गुम हो जाओगे बेटा, वो देखो हाँ और भी बहुत सुंदर नजारा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो जी ये है राजे महाराजाओं के टाइम की दीवाने खास, यहाँ पे राजा है जो बैठ के मीटिंग वगैरह किया करते थे अपने मंत्रियों के साथ और कुछ अंदर इस तरह का मार्बल लगाया गया है, लाल और वाइट कलर का मार्बल है जो इसमें प्रयोग किया गया है। और अब आ जाती है जी गेट की बारी, गेट है जो बड़ा ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा बनाया गया है और इस पे श्री गणेश महाराज की पेंटिंग है जो भी बनाई गई है और फूल और पत्तियों का डिज़ाइन बहुत ही सुंदर और लुभावना है। यहाँ पर लोग हैं जो वीडियोज़ फोटोज़ बनाते हैं और ये प्रवेश द्वार है जी जो कि बहुत ही सुंदर सा है, दूर से आप लोग देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा द्वार बनाया गया है, मतलब कि उस टाइम पर जो राजा महाराजा जाते होंगे तो यहीं से प्रवेश करते होंगे क्योंकि अंदर का अभी व्यू आप लोगों को दिखाया नहीं, हमने अंदर चलेंगे। और जो ये सामने खिड़की देख रहे हो आप लोग, इसकी खास बात ये है जब राजा युद्ध जीत कर आते होंगे तो यहाँ से जो रानियाँ हैं वो फूल वगैरह उनके ऊपर उतर नहीं जाना, ओके दोस्त बन गया तेरा, दोस्त बन गया चलो। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मा कहाँ है आपके, कहाँ है बेटा? जाओ मम्मा के पास जाओ, फिर घूम हो जाओगे ऐसे मैं जाओ, जाओ मम्मा के पास जाओ, जाओ जाओ चला जाओ। लोगों को दिखाएंगे हम यहाँ का जो शीश महल है वो, आ जाओ, पूरा शीशों से ही बना हुआ है, पूरा तो दिखाना पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, बाकी थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ, बाकी आप लोग आओ विजिट करो देख के।
तो जी कुछ इस तरह से है ये शीश महल। शीश महल के अंदर जो पूरा डिजाइन है वो शीशों से ही किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि जब रात के टाइम पे यहाँ पे लालटेन वगैरह लगाई जाती थी तो ये पूरा जगमग करता था, जिस तरह से दिवाली पे घर करते हैं। और ये बनाया गया है जी ग्रीन गार्डन। यहाँ पे जो छोटे छोटे से पेड़ पौधे हैं इनको काट कर अलग से आकार दिया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर और लुभावने लग रहे हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। और कुछ इस तरह का ये गेट है अभी। और यहाँ पे जो फोटोग्राफी वगैरह होती है तो बड़ी ही सुंदर आती है फोटोज और वीडियोस, तो लोगों की भीड़ लगी रहती है अभी देखने के लिए। बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा नज़ारा। सारा का सारा जो काम है वो मार्बल से ही किया गया है। और इस महल में यानी कि इस महल के अंदर आप लोगों को एक से एक कलाकृति दिखाई देगी, और छत के जो डिजाइंस हैं वो अलग से अलग दिखाई देंगे। और ये देखिए बड़ा ही सुंदर और प्यारा, इतनी आकृतियां बनाई गई यानी कि मन लुभा लेती हैं भाई, आप लोग देखते ही रह जाओगे। और कुछ इस तरह के दरवाजे हैं यहाँ पे, और डिजाइनिंग जो की गई है क्या ही बात है, बस बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाया गया है। क्योंकि जो हम दिखा रहे हैं वीडियो में शायद इतना क्लियर अच्छे से ना दिखे, लेकिन हम जब अपनी आंखों से देख रहे तो हमें विश्वास नहीं हो रहा है। और जो ये गार्डन है अभी इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर से ही फोटो वीडियो ले सकते हैं। तो आप लोग भी आओ, विजिट करो और एक बार जरूर देखो, बहुत ही सुंदर। और बच्चों को भी दिखाओ अपनों को, बहुत सुंदर और देखने लायक जगह है अभी आमेर फोर्ट। और ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन बनाया हुआ है, ये भी दरवाजों के ऊपर ही बनाया गया है कांच के अंदर कुछ टुकड़ियां डाल के, बड़ा ही सुंदर सा बनाया गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, आंखों को लुभाने वाली चीज है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें एक से एक चीज देखने को मिल रही है। और ये है जी पालकी, और ये है जी रानियों के लिए जो पालकी होती होंगी शायद, कुछ उस टाइप का ही बनाया हुआ है ये, और बड़ी सुंदर लग रही है। तो चलो जी अब और अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं आप लोगों को राजा महाराजाओं के टाइम की पेंटिंग्स। कुछ इस तरह से ग्रीन कलर में पेंटिंग की गई है, और भगवान श्री कृष्ण जी की पेंटिंग है जो बनाई गई है, बड़ी ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई है, बड़ी ही प्यारी लग रही है। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, अगर किसी को भी मेरा थोड़ा सा व्लॉग पसंद आता है, लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करना। और कुछ इस तरह की पेंटिंग्स है जो बनाई गई है, और कुछ इस तरह के दरवाजे हैं यहाँ पर पुराने टाइम के, और जी बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन महलों के अंदर जैसे होते होंगे वही डिजाइनिंग यहाँ पे बनाई गई है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं महल के अंदर जा रहे हैं तो कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम सब कुछ पहली बार देख रहे हैं। ये देखिए ग्रीन और येलो कलर की जो पेंटिंग बनाई गई है बड़ी सुंदर है, और ये कुछ पत्थर के आकार का यहाँ पे था, पता नहीं क्या था, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि पहली बार जो चीजें देखते हैं उनके बारे में इतना पता नहीं होता भी। अगर किसी को पता है तो प्लीज बताना मेरे को भी कॉमेंट में। और जी एक बार आप लोगों को पूरा घूम के दिखा देते हैं यहाँ के जो दरवाजे सीढ़ियाँ और जो भी महल का मतलब पूरा व्यू है वो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ऐसी जगह पे बार बार देखो आना होता नहीं है, पता नहीं कब आएंगे नहीं आएंगे कुछ पता नहीं है। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से बनाए गए हैं, कुछ इस शेप में बनाए गए हैं यहाँ की जो बिल्कुल कोना कोना आप लोगों को दिखाने की कोशिश की गई है। और पूरा जो ऊपर से हम देख रहे हैं यहाँ पे शायद रानियां बैठती होंगी, रानियों के बैठने के लिए बनाया गया है। और कुछ इस तरह से दिखता है जी ये किला, बड़ा ही सुंदर है, इतना दिल लग गया ना यहाँ से जाने का मन नहीं है। और ऐसी भूल भुलैया है कि यहाँ पे पता ही नहीं लग रहा कौन सा रास्ता कहाँ पे जाएगा। तो जी क्या ही कारीगरी की हुई है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सुंदर से डिजाइन बनाए गए हैं राजे महाराजों के टाइम के, आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस तरह से है, और गुंबद टाइप में है। यहाँ पे चल रही है जी फोटोग्राफी, और ये देखिए चारों तरफ से आप लोग नजारा यहाँ का, और ये गुंबद टाइप में, और खिड़कियां कुछ इस तरह से बनाई गई है, यहाँ पे खड़े होके हम फोटोशूट वगैरह कर सकते हैं, बाहर का नजारा ले सकते हैं। और कुछ इस तरह से गुंबद टाइप में बनाए हुए हैं ये, और फोटोग्राफी वगैरह के लिए बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया जगह है ये। और यहाँ पे बहुत सारी मूवीज जैसे जोधा अकबर होगी, और भी बहुत सारे सीरियल्स वगैरह की जो है पुराने टाइम के जो सीरियल हैं उनकी बहुतों की शूटिंग है जो यहाँ पे हुई है। और ये है जी राजे महाराजों के टाइम का गीजर, इस गीजर के अंदर है जो राजे महाराजों के लिए पानी गर्म किया जाता था, तो इसके अंदर से भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो जी चलो जी अंदर चलते हैं इसके। ये है जी महारानियों के लिए जो ड्रेसिंग रूम होता होगा वो, और ये बनाई हुई है जी बाथ टब जिसके अंदर रानियां हैं जो बैठ के नहाती होंगी, और बड़ी ही सुंदर सी गहरी जो बाथ टब है वो बनाई गई है। और जो ये मतलब कि साथ में ना कुर्सियां भी बनाई गई है बैठने के लिए।
तो जी शीश महल हमने देख लिया था, अब हम आ चुके हैं ऊपर, कुछ इस तरह का व्यू है। थक गए। देखिए देखो, बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही ज्यादा नजारा। बाकी पूरा हम दिखा नहीं सकते क्योंकि आ ही नहीं सकता पूरा। तो चलो जी बाय बाय करते हैं, यहाँ पे हम घूम रहे हैं। गिर जाओगे बेटा, गिर जाओगे, नीचे आ जाओ। ताले देखता है। संदूक संदूक है ना ये, खोल खोल, जोर लगा के खोलो। तेरा कितनी बड़ा कड़ाई, नहीं कड़ाया पूरा बड़ा कड़ा, क्या पड़ा है इसके अंदर, स्विमिंग पूल बनाए। गाइस ये देखिए क्या ही बात है, क्या ही बात है। और ये देखो, ये यहाँ पे करतब दिखाते हैं, फेमस है लेकिन यू अड्डा वड़ा मटका पूरा बोलो। तो जी बाय बाय करने का टाइम आ गया, अब चलते। तो गाइस देखिए, आप लोग कल्पना कर सकते हो कितनी खूबसूरत जगह थी और क्या से क्या हो गया। वही बोलते हैं ना, समय टाइम सब कुछ बदल देता है, किन्हीं टाइमों में यहाँ कितनी चहल पहल होती होगी। और अब ये खंडर पड़े हैं और टूरिस्ट प्लेस बन गया, लोग यहाँ पे सिर्फ देखने आते हैं और कुछ नहीं है इनका यूज़, है ना जी। बाकी हमें आ गया जी फुल मज़ा, घूमाए हैं हम, अभी चलते हैं जी हम अपने होटल रूम पे, मिलते हैं आप लोगों को जाने के बाद। हाँ जी, देख दिक्कत तो नहीं है ना कोई, ठीक हो? चलो जी ठीक है। और हमारे बच्चे पूरे मस्ती करते हुए आप लोगों को दिख रहे होंगे। हाँ भाई, हो गया कंप्लीट, चले फिर। चलो घूम जा, फाइनली हम घूम चुके। तो जैसे कि गाइस मैंने आप लोगों को दिखाया ना, ये बड़ी चीज सबसे अलग लगी मेरे को, जो कि मैंने भी पहली बार देखी थी। तो ये तो चलो देखी तो देखी, तो आप लोगों को एक चीज और दिखा दूं मैं। ये सोए पड़े हैं देखो, पता नहीं सो रहे हैं, पता नहीं एक्टिंग कर रहे हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ अभी। और ये देखो, और एक बात और, ये देखो एसी चला के, गाइस एसी चला के, ओए बीमार होने के हैं, बता कंबल क्यों ले रखा है, ज्यादा गर्मी लग रही है तो कंबल भी उतार दो ना। पैसे तो पूरे देने हैं, देखो और के पैसे पूरे। हद है यार, बताओ गर्मी लग रही है इनको, एसी चला, कंबल भी उतारो चलो। और इन्होंने कंबल भी उतार दिया, गर्मी लग रही सच्ची में। ठीक है पढ़ जाओ।